शिमला से। नितेश जी नमस्कार, नमस्कार सर। कैसा मौसम है आजकल शिमला का? सर एकदम बढ़िया, ठंडा गरम क्या है? बरसात? ठंडा है। बरसात अभी थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं अभी तक। अरे वाह, तो मजे ही आपके तो बढ़िया, मौसम के मजे ले रहे हैं। यस सर, यस सर। क्या करते हैं आप नितेश जी? मैं सर जॉब करता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अरे वाह, तो ये तो बढ़िया है। देखिए, यस फोर्स के लोग भी, अरे बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है ना, तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली नितेश जी भी कर रहे हैं। अब बताइए सवाल जी सर जी एक्चुअली नितेश जी। सर, मेरे पास टाटा पावर और IRFC है। टाटा हाँ पावर 79 शेयर है एट द रेट ऑफ 215, ओके, और IRFC है सर 319 शेयर एट द रेट ऑफ 32। ये तो यार बिल्कुल जैकपॉट है आपका IRFC। और सर एक मेरा जनरल क्वेश्चन था, मेरे पास हाँ बहुत सारे शेयर है जो मुझे 100% का रिटर्न दे रहे हैं, तो उन शेयर में मुझे क्या करना चाहिए सर? अभी रुको, पहले ये दो करें फिर तीसरा लेते हैं। राइट। माना जी, पहले तो टाटा पावर। तो देखिए, टाटा पावर में फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले करीब 5-6 हफ्ते से देखिए तो हाई लेवल पे 50-60 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 420-415 की रेंज में सपोर्ट भी दिखता है। ध्यान रखिए, 415 के आसपास का 20 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो वहां पर बहुत सारा सपोर्ट है। पोजिशन में बने रहिए क्योंकि ट्रेंड में कोई कोई बहुत बुराई लगती नहीं है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। स्टॉप लॉस आपको 415 रुपए के नीचे लगाना है, 460 के ऊपर निकलेगा तो 520 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और 32 रुपए वाला IRFC? IRFC लिया राइट, 32 रुपए का IRFC। ओके, तो देखिए ये तो बहुत अच्छे इन्होंने स्तर पे लिया और अभी बने हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बने ही रहना चाहिए। 3-4 दिनों में हमने करेक्शन देखा लेकिन कहीं पैटर्न कोई निगेटिव नहीं लगता है। 189 का स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। मेरे ख्याल से यहीं कहीं पर सपोर्ट लेगा तो रिकवरी में आपको वापस 235 से लेकर 235 से लेकर 250 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, 7x हो गया इनका ये स्टॉक और डबल हो गया टाटा पावर।